हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम देखते हैं एग्जांपल नंबर टू ऑफ चैप्टर नंबर टू, स्टैटिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ पियर एंड जॉनसन। ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है। ठीक है, ये पर्सन इस रोप को, ये रस्सी है हमारा, है ना, ये रस्सी है ए बी, इस रस्सी को ये खींच रहा है, इस रस्सी को ये खींच रहा है। ठीक है, ये पुल कर रहा है रस्सी को अपने तरफ। मान लीजिए ऐसे एरो दे देता हूँ मैं, एरो आप किसी डायरेक्शन में दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर इधर उधर आएगा बस। ठीक है ना, तो ये अपने तरफ खींच रहा है इस रस्सी को, ऑब्वियसली खींच रहा है तो किस तरह अपने तरफ खींचेगा, इसलिए मैंने एरो इस डायरेक्शन में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप देख पढ़ लीजिएगा कि पुल कर रहा है, इसलिए हमने एरो ऐसे दिया है। अगर हम एरो इस वक्त बाहर दे देंगे, बाहर की तरफ, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बस लिखा हुआ रहे कि इस रोप में टेंशन आ रहा है, मान लीजिए टेंशन आ रहा है, टेंशन बोला जाए एक तरह से 300 न्यूटन का टेंशन आ रहा है ना, तो आप डायरेक्शन कोई भी दे सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर हम इसे ऐसे बनाएंगे तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, है ना, तो एक पॉजिटिव में जाएगा और एक निगेटिव में जाएगा। लेकिन अगर हम इसे ऐसे बना देंगे एरो, है ना, तो एक हमारा निगेटिव में चला जाएगा और एक पॉजिटिव में जाएगा, एक निगेटिव में जाएगा। निकल ग्रीन वाले में क्या हो जाएगा कि ये हमारा निगेटिव में जाएगा और ये हमारा पॉजिटिव में जाएगा, तो अंतर हो जाएगा, है ना। एक जो निगेटिव में, जो पॉजिटिव में जा रहा था वो निगेटिव में जाने लगेगा और जो निगेटिव में जा रहा था वो पॉजिटिव में जाने लगेगा। तो जब आप एफ को लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, मान लीजिए एफ एक्स का वैल्यू अगर 2 आया तो एक में आपको लिखना पड़ेगा माइनस 2y, और एफ वाई का वैल्यू मान लीजिए 4 आएगा तो आप लिखेंगे 4j, लेकिन दूसरे में ही आपको लिखना पड़ेगा 2i और माइनस 4j अगर आप एरो का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो, है ना, तो आंसर तो डिफरेंट आ जाएगा। इसीलिए अगर क्वेश्चन में देख पढ़ना है ध्यान से, अगर क्वेश्चन में सिर्फ पुल लिखा है तो मतलब अपने तरफ खींच रहा है, इसलिए एरो का डायरेक्शन इस तरफ है। क्वेश्चन में अगर पुश लिखा रहेगा तो पुश मतलब क्या होता है, बॉडी, अपने बॉडी से किसी भी चीज़ को दूर फेंकना, तो एरो कैसे देंगे हम, ऐसे देंगे। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन में लिखा रहेगा टेंशन लग रहा है, रोप में टेंशन लगता है ना, टेंशन तो रोप में जो मतलब फोर्स लगता है रोप में, तो रोप में टेंशन लग रहा है बस 300 न्यूटन, तो आप कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं, चाहे आप ऐसे दीजिए या आप ऐसे दीजिए, आप दोनों में जो भी आंसर लिखेंगे वो दोनों आंसर सही होगा। समझ में आ गई बात अच्छे से? ठीक है, लेकिन एक और चीज़, अगर रोप में, अगर प्रॉब्लम में ये दिया जाए कि टेंशन लग रहा है, टेंशन लग रहा है, चलिए आगे प्रॉब्लम में दिखाया जाएगा, बट इतना भी ध्यान रखिए। ठीक है, ओके, तो प्रॉब्लम में हमसे कहा जा रहा है कि ये रोप है, इस रोप के ऊपर यहाँ एक मैन जो रहा है, इस रोप को पुल कर रहा है, इस रोप को ये मैन पुल कर रहा है, तो पुल कर रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगा। कितने फोर्स से पुल कर रहा है? 800 न्यूटन से। तो 800 न्यूटन चूंकि रस्सी है तो हम टी लिखेंगे, टेंशन लिखेंगे, फोर्स अच्छा है कि हम टी लिखे, टेंशन लिखे। ठीक है ना, तो टेंशन भी एक वेक्टर है, फोर्स ही है बट रस्सी में उसको हम टेंशन बोलते हैं। ठीक है ना, और कितने एंगल से, ये एंगल आपको दिया हुआ है अल्फा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दिया हुआ है आपको 6 मीटर, और ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दिया हुआ है आपको 8 मीटर। ठीक है, तो आपको बोला गया है कि आप इस फोर्स का हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालिए एंड वर्टिकल कंपोनेंट निकालिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग ट्राई करिए। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, इसका सॉल्यूशन क्या है देखिए ध्यान से। ये हम यहां पर एक पहले बना देते हैं ये लाइन, वन सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ये टेंशन लग रहा है इसके ऊपर, टी वेक्टर का साइन दिए हम 800 न्यूटन, और ये 6 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है। मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये भी 6 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक ये 8 मीटर, ये दिया रहेगा जो हमने यहाँ लिखा है। तो पहले हमें पता लगाना है, इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इस तरह से बना देता हूँ, ये मैं कर देता हूँ टी। देखिए अभी मैं टी यहाँ पे लिखा हुआ हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे टी एक्स और टी वाई करूँगा, है ना। आप यहाँ पर टी का वेक्टर का भी साइन देंगे तो भी आपको यहाँ पर टी एक्स ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है, यहाँ पे आप वेक्टर का साइन नहीं लगा सकते जब तक आप आई नहीं लगा दे, है ना, जो कि हम बाद में लगाते हैं। और ये यहाँ से यहाँ तक हमारा टी वाई का ही वैल्यू देगा, है ना। तो अगर आप टी वेक्टर भी लिख रहे हैं तो भी यहाँ पर टी एक्स ही, ये मैग्नीट्यूड ही बताएगा, और यहाँ भी ये मैग्नीट्यूड ही बताएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ वेक्टर का साइन दिया हुआ है तो यहाँ भी वेक्टर दे, नहीं, यहाँ सिर्फ हम टेंशन, भले ही आप वेक्टर का साइन दे दें बट हम मैग्नीट्यूड का ही कंपोनेंट लेते हैं।
ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। ओके ठीक है, तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा ये अल्फा कितना है, ये वाला एंगल कितना है, तभी तो हम कंपोनेंट ले पाएंगे। तो अल्फा कैसे निकालेंगे हम, देखिए आप पता होगा आप लोगों को, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि अगर एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और ये अगर थीटा होता है हमारा, ये अगर हमारा थीटा होता है ना, तो टेन थीटा क्या होता है हमारा, ठीक है ये थीटा है हमारा और ये 90 डिग्री है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि इसका एक साइड 90, एक एंगल 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड को क्या कहते हैं हम, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, एच बोलते हैं। थीटा के सामने वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और बाकी का जो बचता है वो हम बेस बोलते हैं, ठीक है बाकी वो क्या बोलते हैं, हम बेस बोलते हैं। लेकिन अगर यही मैं चेंज कर दूं, ऐसे बना दूं, इफ मैं लेट इट बी, ठीक है, और मैं बोलूं कि अब ये थीटा है हमारा, ओके अब हमारा ये थीटा है, ठीक है, तो और ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है मेरा, हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये वाला इस बार ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बाकी जो बचता है वो बेस है ना। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस। तो अगर इस केस में हम 10 थीटा निकालेंगे, मान लीजिए ए बी सी, बहुत ही बेसिक चीज सिखा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है तो आप भी सीख लीजिए अच्छे से ए बी सी। अगर इस केस में, इस वाले केस में हम 10 थीटा निकालना चाहेंगे, 10 थीटा तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब किसका लेंथ लेंगे हम, मतलब हम लेंथ लेंगे ए बी का और बाय ए सी का लेंथ लेंगे, ए बी का और ए सी का। लेकिन इस वाले केस में अगर हम 10 थीटा निकालना चाहेंगे तो इसमें किसका लेंथ लेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का। इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा बी सी है ना, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा ए सी, तो इसमें बी सी बाय ए सी करेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा इस चीज़ को, अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है इसे, बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसी से हम ये वाला प्रॉब्लम अभी बनाएंगे। ओके ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो कैसे बनाएंगे हमें, ये एंगल निकालना है, तो एंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल पहले हमें देखना है। तो ये रहा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यही एंगल है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में ही हमारा यही दोनों एक साइड होगा, एक साइड ये होगा, एक साइड ये होगा, तो अगला साइड ये है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, सिंपल सा बात है। तो ये क्या है मेरा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री सामने वाला साइड क्या होता है मेरा, हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर है ना, और बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा मेरा, बेस है ना। तो अगर हमें 10 थीटा निकालना है इसमें, अगर हमें मान लीजिए हम 10 अल्फा लेके चल रहे हैं, क्यों हम 10 अल्फा लिए, क्योंकि हमें पी का वैल्यू पता है और बी का वैल्यू पता है ना। अगर देखिए साइन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है ना। तो पहले वाले केस जो मैंने आप लोगों को दो केस बताया, उसमें सब में आपको देखना पड़ेगा परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है, उस हिसाब से लिखना है। मैंने सिर्फ 10 थीटा का एग्जांपल लेके बताया। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है बी बाय एच, कॉस थीटा क्या होता है मेरा, बी बाय एच, ठीक है। तो इस केस में हम अगर ये साइन अल्फा से निकालने की कोशिश करेंगे तो कोई वैल्यू फायदा नहीं, क्योंकि हमें एच का वैल्यू नहीं पता है, ये हाइट का डिस्टेंस ही नहीं पता है हमें। हाँ हम निकाल सकते हैं कैसे, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, कि ये 6 है तो ये 8 है, तो ये जो हाइट है, पैथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हमारा, देखिए बहुत ही छोटी छोटी चीजें है, बता देता हूँ मैं। पैथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है, पैथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर एक साइड 90 डिग्री है, ओहो यस, अगर ये 90 डिग्री हमारा है तो इसके सामने वाला साइड है हाइपोटेन्यूज। अगर आप ये थीटा लेके चल रहे हैं तो ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये बाकी का बचा बेस। तो हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी एच स्क्वायर का लेंथ जो है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है इसमें हमारा, ये वाला साइड है, मतलब कि 6, मतलब कि क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। बेस क्या है हमारा, ये वाला साइड है 8, यानी 8 का कितना हो जाएगा, 64। तो आप एच स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 100, यानी एच का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, 10। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एच का वैल्यू 10 आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको परपेंडिकुलर का वैल्यू भी पता है 6 और बेस हाइट का वैल्यू पता है 10। यहाँ बेस का वैल्यू भी पता है आपको 8 और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू भी पता है, सॉरी हाइपोटेन्यूज का वैल्यू पता है 10। और 10 अल्फा क्या होता है, 10 अल्फा हमारा होता है पी बाई बी, पी बाई बी। इसमें परपेंडिकुलर का वैल्यू भी आप लोगों को पता है, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 6 और बेस क्या है हमारा 8 है ना। ओके ठीक है, तो आप ये यूज करिए, ये यूज करिए, या ये अल्फा है, सॉरी आप ये यूज करिए है ना। तीनों में से तीनों में अगर आप यूज करेंगे तो अल्फा का वैल्यू जाएगा वो वही आएगा। अब अल्फा कैसे निकलेगा हमारा, अल्फा क्या होता है हमारा, अल्फा हो जाएगा 10 इनवर्स 6 बाय 8। अब देखिए आप लोग को इंजीनियरिंग का एक कैलकुलेटर आता है, आप लोग उसे खरीद लीजिएगा, उसमें इनवर्स कैसे निकालना है, पहले आप लोग को शिफ्ट दबाना है,
ठीक है, कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबाना है, और शिफ्ट दबाने के बाद टेन का सिंबल डालना है, तो वो इन्वर्स हो जाएगा कॉस इन्वर्स। इस तरह से अगर यहाँ से आप निकालना चाहेंगे तो अल्फा वैल्यू, अल्फा क्या हो जाएगा हमारा साइन इन्वर्स 6/10, ठीक है, और यहाँ अल्फा क्या हो जाएगा कॉस इन्वर्स 8/10, है ना। तीनों में अल्फा का वैल्यू सेम आएगा, चाहे इससे अल्फा निकालिए, चाहे इससे अल्फा निकालिए, चाहे इससे अल्फा निकालिए, तीनों का अल्फा का वैल्यू सेम आएगा। तो शिफ्ट दबाना है, अगर आप 10 से निकालना चाह रहे हैं तो शिफ्ट दबाएगा, 10 दबाएगा तो 10 इन्वर्स आ जाएगा। कॉस साइन से निकालना है तो शिफ्ट दबाएगा और साइन दबाएगा तो साइन इन्वर्स का वैल्यू आने लगेगा, फिर साइन इन्वर्स आप डालेगा 6/10, तो आपका आंसर आ जाएगा। कॉस इन्वर्स निकालना है तो शिफ्ट निकालेगा और कॉस थीटा, कॉस दबाएगा कैलकुलेटर पे, तो आपका कॉस इन्वर्स का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब हम इतना क्यों करें, क्यों हमें ये हाइपोटेन्यूज निकालें, है ना, जब हमें पता है तीनों से अल्फा का वैल्यू सेम आएगा, तो हम ऐसा ही यूज़ क्यों ना करें जिसमें हमको वैल्यू पता ही हो। तो यहाँ परपेंडिकुलर और बेस जब दिया हुआ ही था तो हाइपोटेन्यूज निकाल के टाइम वेस्ट क्यों करने का, अल्फा यहीं से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, इसलिए मैंने टेन थीटा का यूज़ किया था। अगर आप साइन थीटा यूज़ करेंगे तो आपको पहले हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, तब आप साइन थीटा का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात अच्छे से। तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो हमने अल्फा निकाला, अगर मान लीजिए ये अल्फा होता तो, ये अल्फा होता तो हमारा, देखिए बताया था मैं यहाँ पे, अगर हमारा ये अल्फा होता, ओके, ये वाला अगर हमारा अल्फा होता, ठीक है ना, तो इस बार क्या होता, ये अल्फा के सामने वाला साइड ये हमारा परपेंडिकुलर होता, है ना, और ये 90 है तो 90 के सामने वाला साइड ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता और बाकी का बचा ये बेस होता। तब हम अगर हम 10 अल्फा निकालते तो हम क्या करते, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होता है इसमें, इस बार हम लोग का परपेंडिकुलर हमारा ये लेंथ होता, तब हम 8 करते और बेस क्या होता हमारा 6, ये वाला लेंथ होता, तो हम 6 करते, तो फिर हम निकालते अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 8/6 करते और हम आंसर निकालते, ठीक है। तो इसे समझना है, इसे याद रखना है, ठीक है। तो अब क्या है, चलते हैं अब आगे प्रॉब्लम पे। तो ये हमारा टेंशन है, इस टेंशन का वैल्यू है हमारे पास 300 न्यूटन, ठीक है, वेक्टर का साइन दे दीजिए, 300 न्यूटन मैग्नीट्यूड को बता रहा है। तो मैंने आप वेक्टर का साइन दे या ना दे, टी लिखेंगे आप, तो यहाँ पर भी फिर भी टी एक्स और टी वाई ही होगा हमेशा, ठीक है ना, मैंने जो बताया। तो इस टेंशन का यहाँ पे कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स एक्सिस वाले पे ले रहे हैं, देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी एक्सिस है वो भी एक्स एक्सिस ही है, तो ये हमारा क्या है, टी एक्स है, ठीक है। इसका भी यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई होगा। तो कोई भी एक्सिस की पैरेलल, है ना, कोई भी एक्सिस की पैरेलल जितना भी वेक्टर है, जितना भी लाइन है, वो सारा एफ वाई है, वर्टिकल एक्सिस के सारा एफ वाई है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सारा एफ एक्स है, ठीक है ना। तो इसे याद रखना है अच्छे से आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारा टी एक्स है और ये हमारा क्या हो जाएगा, टी वाई, ये हमारा हो जाएगा टी वाई, ठीक है ना। टी एक्स क्या हो जाएगा हमारा इस केस में, इस केस में देखेंगे अगर हम, तो टी एक्स क्या हो जाएगा मेरा, टी एक्स का वैल्यू हो जाएगा टी, जो फोर्स है हमारा, फोर्स को हम किससे दिखाएं, टी से दिखाएं, एफ से नहीं दिखाएं इस बार, ठीक है। और कॉस होगा इसमें, क्यों, क्योंकि एंगल इसके साथ जुड़ा हुआ है, है ना, जिसके साथ एंगल जुड़ा हुआ वो कॉस होता है, तो टी कॉस 36.86 डिग्री, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा टी वाई, कितना हो जाएगा, टी वाई हो जाएगा टी साइन 36.86 डिग्री, ये हो जाएगा टी वाई। तो टी एक्स का वैल्यू इतना आ गया, और टी का वैल्यू कितना है, टी है हमारे पास 300 न्यूटन, और इंटू कॉस 36.86 डिग्री, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपका टी एक्स का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 240 न्यूटन। अब बात है हमें साइन देखने का, है ना, तो साइन देखिए कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये कौन सा एक्सिस है हमारा, पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये एरो इस तरफ जा रहा है, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, टी साइन 36, टी कितना है हमारे पास 300, और साइन 36.86 डिग्री, ये बराबर क्या है, टी वाई, है ना। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आ जाएगा 180 न्यूटन, तो 180 न्यूटन बराबर हो जाएगा मेरा टी वाई। अब इसका भी साइन देख लेते हैं हम, है ना, ये देखिए ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वो माइनस वाई की तरह, नेगेटिव डायरेक्शन, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस 180 न्यूटन, है ना। तो हमने टेंशन को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, तो टेंशन वेक्टर हम लिखेंगे, क्या होता है हमारा, टी एक्स आई और टी वाई जे होगा, ठीक है, टी ए तो टी एक्स, एफ होगा तो एफ एक्स एफ वाई। तो टी एक्स कितना है हमारे पास, 240 न्यूटन, पॉजिटिव में ही है आई, और टी वाई कितना आया, प्लस टी वाई कितना है, माइनस 180 न्यूटन, और यहाँ पर जे, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा वेक्टर टी, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है, समझ गए आप अच्छे से। तो इस चीज को अच्छे से
ध्यान रखना है, याद रखना है। ओके अच्छा मैं एक चीज और बता दूं आप लोग को, देखिए इससे भी हटाइए आप। देखिए अभी मैंने निकाला ना कि अभी मैंने निकाला कि ये हमारा क्या आया, टी एक्स आया, और ये हमारा टी वाई आया, और ये हमारा टी आया, जो भी है। तो टी एस का वैल्यू हमारे पास कितना है, अब एरो नहीं दे रहा वो आप लोग समझ चुके हैं, थोड़ा डायग्राम क्लीन रखने के लिए, ठीक है ना। तो टी एस का वैल्यू कितना है मेरे पास, आया 240 न्यूटन। ओके टी वाई का वैल्यू कितना है मेरे पास, -180 न्यूटन। ठीक है अब मान लीजिए प्रॉब्लम में अगर ये दिया रहेगा कि एक फोर्स है, उस फोर्स का दो कंपोनेंट है, एक है टी एक्स एक है टी वाई, तो आप निकालिए कि कौन से फोर्स का हमने कंपोनेंट निकाला है, मतलब टी निकालिए मतलब टेंशन निकालिए, कौन से फोर्स का हमने कंपोनेंट निकाला है। देखिए पहले हम पैरेललोग्राम से करते थे ना कि दो फोर्स है 240 और 180, है ना, याद आया 240 180 न्यूटन का दो फोर्स है ना। तो देखिए ध्यान से, दो फोर्स है, दोनों सेम पॉइंट से निकल रहा है ना, पैरेललोग्राम थोड़ा सा याद करिएगा, दोनों सेम पॉइंट से निकल रहा है, दोनों के बीच का 90 डिग्री है और दोनों सेम पॉइंट से निकल रहा है, एक फोर्स है टी एक्स एक फोर्स है टी वाई। तो हम क्या करेंगे, इसका डायगोनल दे देगा हमारा रिजल्टेंट आर, यही डायगोनल तो हमारा रिजल्टेंट, यही डायगोनल तो टी है ना। तो सेम पैरेललोग्राम है, बट हम ग्राफिकली पहले किया करते थे, है ना, मेजर करके बनाया करते थे, लेकिन अब ग्राफिकली नहीं, अब फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको दो फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, और कंपोनेंट दिया हुआ है, या दो फोर्स दिया हुआ है, अब बोला जाए क्या ये दोनों कंपोनेंट किसी फोर्स का है, मतलब कौन से फोर्स का है, टेंशन टी का है ना। तो आप मुझे टेंशन टी निकालिए, अब ग्राफ पे जाने की जरूरत नहीं है, ग्राफिकल मेथड जरूरत नहीं, बस यही क्वेश्चन आप लोगों को दिया रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहा है, बहुत ईजी से सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है मेरा, फॉर्मूला है सेम डायगोनल, तो यहाँ पे देखिए मैं समझा देता हूँ, ये 90 डिग्री है ना हमारा, ये भी 90 डिग्री है हमारा, ठीक है ना। अब ये है टी वाई और ये क्या है मेरा टी एक्स, ये है टी वाई ये है टी एक्स। तो मैंने अभी आप लोगों को सिखाया पैथागोरस थ्योरम, है ना, पैथागोरस थ्योरम, और ये क्या है मेरा टी, तो ये है टी ये है टी वाई ये है टी एक्स। तो पैथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है, टी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का लेंथ क्या है हमारे पास टी, और पी किसे मानेंगे, दोनों में से किसी भी मान लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा आप यहाँ लीजिए या यहाँ लीजिए क्योंकि वैल्यू सेम ही आने वाला है। आप थीटा यहाँ लेंगे तो परपेंडिकुलर टी वाई स्क्वायर आएगा और बेस टी एक्स स्क्वायर आएगा, आप थीटा यहाँ लेंगे तो परपेंडिकुलर टी एक्स स्क्वायर आएगा बेस टी वाई स्क्वायर आएगा, अल्टीमेटली तो टी एक्स प्लस टी वाई स्क्वायर ही आएगा ना। तो जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें थीटा मायने नहीं रखता है, लेकिन जब हम एंगल निकालने लगते हैं तब थीटा मायने रखता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाते वक्त आप कोई भी थीटा लीजिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों पॉजिटिव ही आने वाला है। तो पी स्क्वायर कितना है मेरे पास, टी एक्स स्क्वायर या टी वाई स्क्वायर जो है, चलिए, और ये बी कितना है, टी वाई स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर, इस बार परपेंडिकुलर मानते हैं, मान लीजिए टी वाई स्क्वायर अगर थीटा हम चेंज कर दें, और बेस टी एक्स स्क्वायर, तो भी तो वही है, दोनों सेम ही है। अगर आप ये थीटा लेते हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसमें, टी वाई हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, टी एक्स हो जाएगा। अगर आप ये थीटा लेते हैं तो इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, टी एक्स हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा मेरा, टी वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों में से जो भी देखिए वैल्यू तो वही है, टी एक्स स्क्वायर प्लस टी वाई स्क्वायर, टी वाई स्क्वायर प्लस टी एक्स स्क्वायर, वैल्यू दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है ना। ओके तो आया कि नहीं आया ये चीज़, यही चीज़ आया। तो टी वाई का स्क्वायर क्या है, टी वाई का वैल्यू कितना है, -180 न्यूटन। चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, टी वाई का, तो हमने क्या निकाला कि टी स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा टी वाई स्क्वायर और प्लस टी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। टी का वैल्यू कितना है, टी स्क्वायर हमें निकालना है, टी वाई का वैल्यू कितना है हमारे पास, -180, -180 पूरे का स्क्वायर, याद रखिएगा, ये नहीं कर दीजिएगा कि टी वाई का स्क्वायर कहा है हमें तो हम माइनस यहाँ कर देंगे और सिर्फ 180 का स्क्वायर कर देंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पूरा वैल्यू है -180 न्यूटन, तो पूरा -180 हम लिखेंगे का स्क्वायर, और टी वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 240 है तो पूरा 240 का स्क्वायर, यहाँ भी माइनस होता तो इसको भी माइनस को अंदर लिखते हैं। तो इसका ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है यहाँ पॉजिटिव हो या निगेटिव हो वैल्यू हमेशा स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही आएगा, क्यों, देखिए कैसे, टी स्क्वायर है, ओके, और ये माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये भी प्लस ही हो जाएगा, ठीक है ना। और 180 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये आता है 324 डबल जीरो, और
240 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 576 है ना। तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे है ना, तो ऐड करने पे आ जाएगा 00009। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये टी है तो इसका भी रूट चढ़ा देंगे, स्क्वायर है इसका भी रूट चढ़ा देंगे, तो 2t का 1t बाहर आ जाएगा और इसका रूट आप स्क्वायर रूट से कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 300 न्यूटन। ठीक है, तो टेंशन क्या आ जाएगा मेरे पास, वही आ गया 300 न्यूटन जिसका हमने कंपोनेंट लिया था। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि अगर कोई फोर्स का दो कंपोनेंट लिया जा रहा है ना, एक कंपोनेंट है टी एक्स एक कंपोनेंट है टी वाई, तो फिर से अगर वही फोर्स आपको निकालना है तो इन दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर कर दीजिए बस, तो आपका वो आंसर आ जाएगा और मैथ लगा दीजिए अपना। ठीक है, समझ में आ गई बात अच्छे से, ऑब्वियसली समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। कल हम आगे बढ़ेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे क्या कहते हैं कि हम बहुत सारे रिजल्टेंट्स को सम कैसे करेंगे। यहाँ तो मैंने सिर्फ एक फोर्स का बात किया है ना, बहुत सारे फोर्स लगने लगेंगे तो मैंने क्या बताया, जब बहुत सारे फोर्स लगते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रायंगल रूल है ना, या तो पॉलीगॉन रूल, ट्रायंगल रूल यूज़ करते हैं या पॉलीगॉन रूल यूज़ करते हैं ना, रिजल्टेंट निकालने के लिए बताया था ना, है ना, ट्रायंगल रूल रिजल्टेंट निकालना है हमें बहुत सारे फोर्स का, तो हम ट्रायंगल रूल यूज़ करेंगे या पॉलीगॉन रूल यूज़ करेंगे। और जब एक फोर्स हम यूज एक फोर्स का यूज़ करते हैं तो हम क्या कर यूज़ करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ हम यूज़ करते हैं एक फोर्स को निकालने के लिए, है ना, रिजल्टेंट निकालना है एक फोर्स का, अगर तो रिजल्टेंट अगर निकालना है एक फोर्स का तो हम पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करेंगे, दो या मोर देन टू फोर्सेस का हमें निकालना है तो हम ट्रायंगल रूल और पॉलीगॉन रूल। बट अभी आप लोगों ने देखा कि जब हम पैरेललोग्राम ये सॉल्व किए हैं, वन सेकेंड, यस, जब हमने अभी दो एक फोर्स का भी कंपोनेंट निकाला, एक फोर्स हम लेके चले है ना, तो भी हमने पैरेललोग्राम लॉ को यूज़ नहीं किया, हमने फॉर्मूला से निकाला, कैसे, एफ एक्स और एफ वाई करके, और फिर हमने रिजल्टेंट निकाला। सेम अगर बहुत सारा फोर्स काम करेगा तो भी हमें इन दोनों ग्राफिकल मेथड की जरूरत नहीं है, इसका भी एक मेथड है जो हम लोग सीधा कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, तो ग्राफ पे जाने की जरूरत नहीं है। वही कल हम आगे सीखेंगे कि टू और मोर फोर्सेस रहेगा तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स है तो एक फोर्स का रिजल्टेंट क्या निकालेंगे, कुछ ही नहीं, वो खुद ही एक रिजल्टेंट है। जब एक ही फोर्स लग रहा है किसी ब्लॉक पे तो रिजल्टेंट क्या निकालेंगे, यही एक फोर्स ही है। लेकिन हमने देखा कि एक फोर्स अगर लग रहा है तो उसका दो कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, है ना। उसी तरीके से हम यहां देखेंगे अगर बहुत सारा फोर्स लग रहा है तो सारे फोर्स का कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, सारे फोर्स का कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे, बहुत सारा फोर्स लग रहा है तो, ठीक है ना, और उन सारे कंपोनेंट से फिर से हम एक रिजल्टेंट फोर्स पे कैसे आएंगे। ठीक है, मतलब कि अगर ये ब्लॉक है तो इस ब्लॉक पे मान लीजिए बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है, अगर हम तो हम देखेंगे इन सारे फोर्सेस का कंपोनेंट्स क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में टोटल क्या कंपोनेंट आएगा हमारा और वाई डायरेक्शन में टोटल क्या कंपोनेंट आएगा, और इन सारे फोर्स को एक रिजल्टेंट फोर्स हमें बनाना है, सिर्फ एक ही फोर्स चाहिए, तो वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।